वेक्टर और स्केलर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर एंड स्केलर। जो भी हमारे बीच जो भी फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो जिस वस्तु को हम लोग देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, छू सकें, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वो क्वांटिटी कौन सा है, वेक्टर। मतलब वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और उसी तरह से स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है, किस डायरेक्शन में। जैसे स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड है, कोई वस्तु गतिशील है किसी स्पीड से। अब स्पीड का वैल्यू हमको मालूम है कि 10 मीटर पर सेकेंड से वस्तु गतिशील है, मगर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमको पता नहीं है। तो हम बोलेंगे कि वो स्पीड है और वो क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी 10 किसी वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, या ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हुआ है, अगर मेंशन है, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है, बताया हुआ है कि एक साइकिल है जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड जा रही है, या ईस्ट वार्ड जा रही है, मूव कर रही है, तो उससे में बोलेंगे कि उस साइकिल का कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किस, कौन सा डायरेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जो लिखा हुआ है, जो बताया गया है कि ईस्ट वार्ड जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है। कहने का मतलब है कि वैसा क्वांटिटी जिसमें कुछ वैल्यू के साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी दिया हुआ हो या डायरेक्शन का पता चलता हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जिसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता हो, केवल वैल्यू मालूम हो मगर वो किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ जाने वाला है, ये पता नहीं हो, डायरेक्शन हमको पता नहीं लग पाए, ठीक है, तो उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर में कौन कौन सा क्वांटिटी आ जाएगा, वेक्टर में अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वेक्टर में आप लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर में आता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में आता है, और कौन कौन सा, मोमेंटम, मोमेंट और मोमेंटम भी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और कौन कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, एक्सीलरेशन, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर ये सब स्केलर क्वांटिटी। इस तरह का और भी बहुत सारा क्वांटिटी है, लिस्ट है इसका एक, चाहे और भी जैसे जैसे देखिएगा पता लगेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एरिया, एरिया देखिए, एरिया का कोई डायरेक्शन होता है नहीं ना, होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है, एरिया, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से बहुत सारा क्वांटिटी है, वेक्टर भी और स्केलर भी, बहुत सारा क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर
क्वांटिटी है। तो स्केलर में ज्यादा हम लोग कुछ देखता नहीं है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा वो समझ जाएंगे, जिसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा वो समझ जाएंगे कि यह स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर में थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि वेक्टर में और क्या क्या चीज होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, नॉर्मल चीज से अलग है। तो वेक्टर में हम लोग को और देखना पड़ेगा कि वेक्टर में और क्या क्या चीज हो सकता है, तो वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का क्या गुण होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये दोनों तो आसान है, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब डायरेक्शन हो जाता है। मैग्नीट्यूड कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 etc, ये सब वैल्यू जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें कोई मैग्नीट्यूड है। और लास्ट और पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ से लग रहा है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है इस डायरेक्शन में तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट, कोई ओरिजिन पॉइंट होगा, कोई एंड पॉइंट होगा। मान लिया कोई प्लेन ए बी है या एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो अगर कोई वेक्टर लग रहा है ना तो वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन समझने के लिए देखिए रिप्रेजेंटेशन में हम लोग समझ जाएंगे कि पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। तो ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से कोई वेक्टर या कोई फोर्स लग रहा है, सपोज दैट कोई फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स पड़े थे ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई फोर्स लग रहा है, इसको रिप्रेजेंट करेगा क्या, कहां से लग रहा है, तो ये ए पॉइंट से लग रहा है, कहां तक लग रहा है, बी तक लग रहा है, तो ये ए से बी के बीच की दूरी ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और इसको ए बी वेक्टर से बता सकते हैं। तो डायरेक्शन जरूरी है तो डायरेक्शन दे देंगे इस डायरेक्शन में ए से बी तक, तो ये बीच की दूरी इसका मैग्नीट्यूड कहला जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। मान लिया कि हम इसको कहें जो ए बी जो है ये ए बी वेक्टर 10 न्यूटन के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाता है 10 न्यूटन, इस तरह से लिखा जाता है। अब कहिएगा कि सर ये तो फोर्स का वैल्यू है, इसको हम डिस्टेंस पे कैसे बदल सकते हैं, तो स्केल रेशियो लेकर के, स्केल रेशियो लेकर के, जो कि ड्रॉइंग में आप लोग पढ़िएगा स्केल रेशियो कैसे लिया जाता है, ठीक है ना, तो स्केल रेशियो लेकर के ये 10 न्यूटन के लिए जितना डिस्टेंस आएगा वो हम पारेंगे। तो अगर हमको एक्चुअली एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है तो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे लग रहा है वो ज्ञात करना होगा, जो कि मेंशन होगा, दिया गया होगा, बताया गया होगा कहीं ना कहीं पे, तो वो हम लिखेंगे कि वहां से और ये डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में, और 10 न्यूटन, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 10 न्यूटन के बराबर ये डिस्टेंस आपको स्केल रेशियो लेके बनाना होगा, तब हम परफेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर होगा, ठीक है। ये तो फोर्स का हो गया, इसी तरह किसी का वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, मोमेंटम हो डिस्प्लेसमेंट हो, सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर एक्सेलरेशन हो, या फिर कोई और भी वेक्टर हो, उसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर और सबस्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का एडिशन नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, वेक्टर का एडिशन या तो हम पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं, या फिर साइन लॉ से करते हैं, या ट्रायंगल लॉ से करते हैं, तीन तरह से होता है। मेनली
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, उसके थ्रू हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं, और ट्राइंगल लॉ, ये दो तरीके से हम लोग वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम अर्थमेटिक तरीके से, जैसे 1+2, 2+3 या जो भी वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको एडिशन करके उसको ऐड कर सकते हैं। मगर जब वेक्टर को हम ऐड या सबस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम जोड़ घटाव डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसमें जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है वैसे हम लोग जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इसका एक लॉ होता है, या तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू, या वेक्टर वेक्टर एडिशन के लिए दो दो लॉ दिया गया है जनरली, वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ, उसके थ्रू हम लोग वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ठीक है, कोई प्लेन लेते हैं, सपोज दैट ये एक्स वाई कोई प्लेन है, इस पे कोई दो वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या होता है, टेल और टिप होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होगा ये टेल कहलाएगा, और जहां पे एरो लगा हुआ होगा ये वाला पॉइंट, ये टिप कहलाता है, और ये वाला पॉइंट आपको टेल कहलाता है, जनरल लैंग्वेज, आप टेंथ में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो टेल और टिप कहलाता है। अब ये तो एक वेक्टर हो गया, सपोज दैट ये ए और बी, अब इसका कोई नाम दे देते हैं, या तो ए बी वेक्टर दे सकते हैं, या ए बी वेक्टर नहीं दे करके हम इसको कोई क्यू वेक्टर नाम दे देते हैं, जो कि इक्वल है क्या क्या ए बी वेक्टर के बराबर है। अब इसी प्लेन पे कोई एक और वेक्टर है, इसी प्लेन पे कोई एक और वेक्टर है, तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, तो इसको मान लिया ये सी और ये डी है, और इसको पी वेक्टर नाम दे दिए, जो कि सी और डी वेक्टर के बराबर है वेक्टर के। तो इसका एडिशन कैसे करें, तो इसका एडिशन करने के लिए ये जो टिप है वो टेल से जुड़ता है, और या टेल है वो टिप से जुड़ता है। तो देखिए इसको अगर उठा के हम जनरल वे में रखें, कि अगर हम पहले इसको लेते हैं सी को, जितना मैग्नीट्यूड है पी वेक्टर ले लिए हम, ये वेक्टर पी ले लिए, अब इसका जो टेल है नेक्स्ट का टिप से जुड़ेगा, तो इसका टिप से जुड़ेगा, इसका टिप से जुड़ेगा, अब ये क्या वेक्टर, क्यू वेक्टर है, ठीक है, ये क्यू वेक्टर है। तो इसको हम पैरेललोग्राम ला क्या, इसके पैरेलल एक रेखा खींच देंगे, और इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, खिंचा गया लाइन, और इसका एक डायगोनल बना देंगे, और ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है, डायगोनल इसका रिजल्टेंट होता है, और ये डायगोनल ये दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर होता है। तो R वेक्टर इक्वल टू होता है P वेक्टर प्लस U वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन कहलाता है, इस तरह से हम लोग वेक्टर का एडिशन कहते हैं, ठीक है। अब ये R वेक्टर तो आपका निकल गया कि P प्लस Q होता है, ठीक है, मगर इसका रिजल्टेंट कितना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार ही R का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो P का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, प्लस 2P Q cos अल्फा या cos थीटा, ठीक है, का अंडर रूट। अब ये cos अल्फा कौन सा हो जाएगा, cos अल्फा ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, ये अल्फा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल। इस तरीके से हम R का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग पैरेललोग्राम का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसका डायरेक्शन भी निकालना हम लोग सीखेंगे, कि ये डायरेक्शन कितना होता है, ये भी आपको हम बताएंगे। सपोज दैट ये कोई एंगल बीटा है, कोई जैसे रिजल्टेंट निकला आपका वेक्टर का, ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर का एडिशन क्या, दोनों वेक्टर ही आएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए ना,
ये तो केवल मैग्नीट्यूड निकला, ये वेक्टर एडिशन किए और एडिशन के बाद इसका मैग्नीट्यूड इतना निकला ये फॉर्मूला पे रख करके, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला पे रख के। उसके साथ साथ इसका कुछ डायरेक्शन भी होता है, वो डायरेक्शन बीटा, या फिर ये डायरेक्शन बीटा पी से किस एंगल पे एक्ट कर रहा है, या फिर ये वाला क्यू के बराबर है, ये क्यू वेक्टर आ जाएगा। तो इससे कितना एंगल पे, ये गामा अगर मानते हैं इसको, तो कितना एंगल पे ये एक्ट कर रहा है, ये भी हम लोग आगे वाला क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये तो अभी खत्म होने वाला है, 10 मिनट और बच रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे हम लोग ऑफ करेंगे, ये एडिशन वाला ही, और सबस्ट्रैक्शन और नेक्स्ट टॉपिक फिर अगला क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जो बचा हुआ समय उसमें और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। तो ये आप लोग एडिशन करना सीख गए कि पहले क्या देखे, कोई दो वेक्टर है तो वेक्टर का एडिशन करने के लिए क्या, टेल और टिप को हम लोग मिलाए, जहां से खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू होगा। जैसे देखिए ये यहां से खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, और ये वाला वेक्टर कहां, ए से शुरू हुआ था तो यहां से शुरू हुआ था, उसको यहां से शुरू किए, ठीक है ना, ये वाला इसको यहां रखे, ठीक है। और टेल वाला हमेशा टेल और टिप से जुड़ता है, ठीक है, तो टेल को टिप से जोड़े यहां पे दोनों, और क्या है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक यहां पे लाइन खींचे, इसके पैरेलल एक वहां पर, सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये जो जिसका ये डायरेक्शन था वो, जो ये डायरेक्शन था वो, उसी तरह से दोनों का खींचे, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल ज्ञात किए कि कितना एंगल है, और इस पे डायगोनल हम लोग को मिलाए, तो ये डायगोनल जो होगा दोनों के, ये दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा। उसको आर से रिप्रेजेंट किए आर वेक्टर से, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाले, इसी को पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। ये जो आप मैग्नीट्यूड निकाले ना, इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, ठीक है। इससे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताए थे, एक ट्राइंगल लॉ बताए थे कि ट्राइंगल लॉ से भी हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर का एडिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में भी सेम होता है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ में भी थोड़ा सा अंतर है, उसमें हम लोग पैरेललोग्राम नहीं बना के केवल ट्राइंगल बना रहे थे। सिमिलरली दोनों पहले ये P वेक्टर को लिए, फिर Q वेक्टर को लेंगे, ठीक है, और ये रिजल्टेड आपका R वेक्टर आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस रेखा को हल्का सा हम लोग आगे अगर बढ़ाते हैं, ये एंगल आपको निकाल लेंगे, ये एंगल कितना है, अल्फा आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है, टोटल 180 होता है, ये वाला टोटल 180 हो जाएगा ना, तो ये अल्फा इसमें से कटा है, तो ये एंगल, तो साइन पी प्लस क्यू इक्वल टू हम लोग पी आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, एडिशन हो गया। अब आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, तो साइन लॉ या ट्राइंगल लॉ में हम लोग जानते हैं, ट्राइंगल लॉ बताता है कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में उसका साइड और अपोजिट एंगल का रेशियो बराबर होता है। ट्रायंगल लॉ ये लॉ है, 10th में पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में इसके जो साइड है, एक साइड, ठीक है, और उसका अपोजिट एंगल का रेशियो इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर आर लिखते हैं तो आर डिवाइडेड बाई अपोजिट एंगल कितना है, साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू, उसी तरह से दूसरा का भी पी, पी इसका अपोजिट एंगल, सपोज दैट ये एंगल को हम बीटा माने और ये एंगल को गामा माने, ठीक है, तो पी साइन बीटा इक्वल टू क्यू साइन गामा, ये जो रूल है इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। एक थ्योरम 10th में पढ़े होंगे, इसको प्रूफ करने का भी रहता था, ठीक है, ये प्रूफ किया हुआ, हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, हम लोग को केवल याद रखना है, उसको अप्लाई करना है, प्रूफ नहीं करना है। तो इससे भी हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, मगर इससे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, अगर ये अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल पता है तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर अल्फा बीटा एंगल नहीं पता है केवल, सॉरी सर ये गामा एंगल, ये गामा और बीटा अगर हमको पता है तो साइन रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं कहीं पे मालूम रहेगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे।
अगर नहीं मालूम है और अल्फा एंगल हमको मालूम है तो हम लोग उसको पैरेललोग्राम ला से, इसका एप्लीकेशन से हम लोग पैरेललोग्राम ला से हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो इतना तक आप लोग देखिएगा, नोट्स में भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, नोट्स से आप लोग चेक कर लीजिएगा नोट्स में।